आप में से किसने नायिका देवी के बारे में सुना? हाथ ऊंचा करके मेरी वीडियो बताओ, किसको पता है नायिका देवी का इतिहास? देखो विडंबना देखो, हमारी हम गुजरात में रहते हैं और गुजरात की नायिका महानायिका नायिका देवी के बारे में हमें नहीं पता। झांसी की रानी के बारे में सबने सुना ना? नायिका देवी के बारे में क्यों इतिहास में छुपाया गया? क्योंकि इतिहास में महिमा मंडन किया गया मोहम्मद गौरी का, और उसी मोहम्मद गौरी को एक स्त्री ने काट कर यहां से भेजा था। हुआ क्या था ये भी इतिहास में आपको शॉर्ट में बताती हूं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया और आबू की घाटी पर वो वहां पे रुके, और उन्हें पता चला, उसी वक्त नायिका देवी हमारे पाटन की रानी थी, उस वक्त गुजरात की राजधानी पाटन हुआ करता था, और पूरे भारत में अगर सबसे प्रॉस्परस स्टेट कोई कहा जाता था तो वो पाटन था। तो पाटन की जो नायिका देवी है उनके पतिदेव का देहांत हो गया, और मोहम्मद गौरी ने देखा कि राजा जो है वो मृत हो गए, रानी जो है जवान है खूबसूरत है, क्योंकि इनका इनका नजरिया ही ऐसा था, ये औरतों को हमेशा गलत नजर से ही देखते थे, और इसको कैप्चर भी करना था क्योंकि पाटन के पास में बहुत धन था बहुत संपत्ति था। तो मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना भेजी पाटन में और उसके साथ एक संदेश भेजा। संदेश क्या था कि नायिका देवी के समक्ष तीन बातें रखी, पहली शर्त आप मोहम्मद गौरी से शादी करें, दूसरी शर्त आप इस्लाम स्वीकार करें, और तीसरी शर्त पाटन का पूरा धन संपत्ति मोहम्मद गौरी को दे, और अगर आप ये तीनों बातें नहीं मानती है तो हम आक्रमण करेंगे पाटन पर। 80,000 की सेना लेकर आया था मोहम्मद गौरी, और ऐसी हमारी वीरांगना की बात करती हूँ कि नायिका देवी ने उसी वक्त अपने सेनापति को बुलाया, उनको हाँ हाँ करके जाने दिया। स्ट्रेटेजी में इतनी कमाल थी हमारी नायिका देवी, बट आपको कैसे पता होगा। और नायिका देवी ने अपने सेनापति को कहा कि ये जो तीन शर्तें लेकर आया मुझे मंजूर नहीं है, मुझे आज ही इन पे आक्रमण करना है। सेनापति को लगा कि राजा तो चल बसे हैं, अब ये औरत कर भी क्या लेगी, ये थोड़ी ना लड़ेगी, क्योंकि नायिका देवी 12वीं सदी की मैं आपको बात कर रही हूँ, रानी लक्ष्मीबाई उसके बाद का है स्टेट, जब ब्रिटिशर आए थे तो पहली वीरांगना थी नायिका देवी हमारी। तो नायिका देवी ने सेनापति की बात नहीं मानी क्योंकि सेनापति को ऐसा लगा कि ये औरत है ये क्या कर लेगी, साथ में उनका 3 साल का बच्चा भी था। नायिका देवी ने सेनापति को साइडलाइन किया, खुद हाथ में कमान ली, अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, और जैसे ही जो संदेश लेकर आया था मोहम्मद गौरी का वो लोग आबू की घाटी पर पहुंचे, पीछे पीछे नायिका देवी पहुंची, और रात के अंधेरे में नायिका देवी ने आक्रमण किया मोहम्मद गौरी की सेना पर। तब मोहम्मद गौरी ने बोला, उसको आश्चर्य हुआ, उसने कहा हिंदू कब से आक्रमण करने लगे, और उसमें भी एक महिला, ये उनके शब्द थे। और नायिका देवी ने वहीं पर उनकी सेना को मारा और सैनिक कुछ एक उनके बच गए थे, वो मोहम्मद गौरी के साथ भागे। तब नायिका देवी पीछे पीठ के पीछे, हमें ये तो पता है कि लक्ष्मी जी पीठ के पीछे अपना बच्चा लेकर युद्ध में लड़ी थी, पर उनसे पहले 12वीं शताब्दी में नायिका देवी ऑलरेडी लड़ चुकी थी, और वो आबू की घाटी से मोहम्मद गौरी के पीछे जाती है घोड़े पे, मोहम्मद गौरी आगे पीछे नायिका देवी, और उसको लगता है कि अब वो हमारी पकड़ से बाहर है। तब दूर से नायिका देवी जो मर्दानी थी उसने अपने तलवार को इस तरह से फेंका कि मोहम्मद गौरी का जो लोअर पार्ट है कमर से नीचे का उस पर वो तलवार ने इतनी जोर से घा किया कि मोहम्मद गौरी को वापस अफगानिस्तान जाके पता चला कि वो नपुंसक बन गया है। ये थी हमारी नायिका देवी जिसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बनाया, और 13 साल तक, 12वीं शताब्दी की बात करी हूं, 1192, 13 साल तक मोहम्मद गौरी वापस भारत में आने की हिम्मत नहीं किया। ये थी हमारे देश की वीरांगनाएं।